हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे द्वंद्व समास। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों पद जो हैं वो प्रधान होते हैं, या दोनों पद समान हों, दोनों पद प्रधान हों या फिर दोनों पद समान हों, दोनों की वैल्यू समान है, बराबर है, एक भी पद जो है वो दूसरे से कम नहीं होता है इसमें। और दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब और, अथवा, या, एवं, इस तरीके के जो योजक जो हैं वो लुप्त हो जाएं मतलब वहाँ से हट जाएं, तो उसको द्वंद्व समास कहलाते हैं ये। अब जैसे उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है देश और विदेश। अब हम देश और विदेश को किस प्रकार हम बोलेंगे? जब हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? देश विदेश। तो इसमें और शब्द जो है ये लुप्त हो गया है जो है, और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? एक योजक चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर छोटा सा डैश लगा दिया, तो ये इसको योजक चिन्ह कहते हैं। अब देश और विदेश, यहाँ से और हटकर यहाँ पर हमने यहाँ पे ये चिन्ह लगा दिया, योजक चिन्ह, तो ये देश विदेश बन गया। अब आगे देखिए, दिन और रात। अब यहाँ पर हमने क्या हटा दिया? और हटाकर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? ये जो चिन्ह हमने लगा दिया, दिन रात। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो बीच में इनके जो ये योजक शब्द रहते हैं ये हट जाते हैं और इनकी जगह जो है ये योजक चिन्ह लग जाता है। अब जैसे ये देश विदेश, दिन रात, इसी तरीके से अपना पराया, हम बोलते हैं अपना और पराया, तो अपना और पराया की जगह हम अपना पराया, तो हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, और इस तरीके के जो योजक शब्द होते हैं हम उनको हटा देते हैं यहाँ से। तो इस समास में जो है समस्त पद, जो पूरा पद रहता है, जैसे ये देश विदेश, दिन रात, ये पूरा एक समस्त पद है, ये पूरा जो है ये इसमें, ये पूरे इसमें जो हमारा प्रथम पद और उत्तम पद जो है, दोनों पद जो हैं ये समान रहते हैं, दोनों की समान वैल्यू रहती है, तो दोनों पद ही इसमें प्रधान रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और उदाहरण देकर बताती हूँ, तो ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। भला और बुरा, भला बुरा, छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा, आटा और दाल, आटा दाल, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, सीता और राम, सीता राम, ऊंच और नीच, ऊंच नीच, रुपया और पैसा, रुपया पैसा, मार और पीट, मार पीट, माता और पिता, माता पिता, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, गुण और दोष, गुण दोष, नर और नारी, नर नारी, एड़ी और चोटी, एड़ी चोटी, लेन और देन, लेन देन, जन्म और मरण, जन्म मरण, पाप और पुण्य, पाप पुण्य। बच्चों, जैसा कि आपने देखा, शब्दों का समास होने पर योजक चिन्ह का लोप हो गया है, तो इन सभी शब्दों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, द्वंद्व समास की यही पहचान होती है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हमने सीखा कि जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों, या दोनों पद समान हों, एवं दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं आदि योजक चिन्ह लुप्त हो जाएं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। Subscribe, Learn Easy Channel.